अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदिया ख्वाजा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन सुम आमीन। और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। हम अभी जा रहे हैं जरीर बुक स्टोर और बच्चों ने लेनी थी कुछ बुक्स और अपना भी कुछ काम था, तो चलें मिल के चलते हैं जरीर बुक स्टोर। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये अमेरिकन स्टाइल फूड की बिल्डिंग है जो जरीर के बिल्कुल साथ ही है मक्का में। और ये जो आप गाड़ी ऊपर देख रहे हैं इस बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई, ये भी ओरिजिनल कार है जो उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर लगाई हुई है और ये देखने में कुछ अलग ही स्टाइल लगता है। अब ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जरीर बुक स्टोर की बिल्डिंग जो यहाँ पे मकतबे जरीर के नाम से बहुत फेमस है। और ये फेमस है अपनी बुक्स की वजह से, अपनी स्टेशनरी की वजह से और ज़्यादातर अपने गैजेट्स की वजह से। तो चलें अंदर चलते हैं और दिखाती हूँ आपको यहाँ पे और क्या क्या कुछ मिलता है। यहाँ पे बहुत मुनासिब प्राइस मिलते हैं और ना सिर्फ प्राइस मुनासिब हैं बल्कि अगर खुदा ना खास्ता वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो इतनी बेहतरीन सर्विस है जरीर बुक स्टोर वालों की। ऐसी सर्विस पूरे सऊदी अरेबिया में आपको कहीं और किसी स्टोर की नहीं मिलेगी। अब आते हैं हम जरीर के एक और सेक्शन की तरफ जो बेहद खूबसूरत है क्योंकि ये बहुत कलरफुल है और ये कलर्स का सेक्शन है। और यहाँ पे आपको हर किस्म के कलर्स मिल जाएंगे, पेंटिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको आर्ट का शौक़ है, पेंट्स का शौक़ है तो यहाँ पे आपको ए टू जेड तमाम चीज़ें मिलेंगी जो आपको ज़रूरत होंगी और बहुत मुनासिब प्राइस में। अगर आपके घर में एक बड़ी सी लाइब्रेरी है या एक छोटी सी लाइब्रेरी है या सिर्फ एक बुक शेल्फ है या कोई आर्ट से रिलेटेड स्टूडियो है छोटा बड़ा, तो ये डेकोरेशन पीसेस आपके लिए ही है। आएं और फौरन ले जाएं, बहुत खूबसूरत लगेंगे वहाँ पे। Oh,
तो चलें जी, हम आ गए हैं अब इनके मेगा सेक्शन की तरफ, जो कि है बुक सेक्शन। और आपको जहां तक नजर आएंगी बस बुक्स ही बुक्स नजर आएंगी, और हर एज से रिलेटेड आपको यहाँ पे बुक मिल जाती है। हाँ, बस ये है कि लैंग्वेज आपको ज़्यादातर इंग्लिश और अरबिक मिलेगी। अगर आप इसके अलावा किसी लैंग्वेज में बुक लेना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। इनका ऑनलाइन पेज है, आप वहाँ पे भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अगर वो सऊदी अरेबिया में बैन ना हुई और अवेलेबल हुई तो वो आप तक पहुँच जाएगी। मेरा मानना ये है कि अगर आपके बच्चे पढ़ने की एज तक आ गए हैं तो फिर उनको टॉयज़ या गैजेट्स लेके देने की बजाय आप उनको बुक्स ख़रीद कर दें, और ये बेहद ख़ूबसूरत आदत है जो आप अपने बच्चों में डेवलप करेंगे, और ये बेहतरीन तोहफ़ा है जो आप अपने बच्चों को ख़रीद कर देंगे। यहाँ पर आपको स्कूल से रिलेटेड भी तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, बैग, स्टेशनरी, सब चीज़ें। और अगर प्राइस थोड़े से बाहर की निस्बत हाई भी हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज ये ज़बरदस्त है। हाईएस्ट क्वालिटी आपको जरीर बुक स्टोर पर मिलेगी। अच्छा, अगर टॉयज़ की बात की जाए तो जरीर बुक स्टोर पर मैंने देखा है कि बाहर की निस्बत थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और ज़्यादातर स्टडी से रिलेटेड ही आपको टॉयज़ यहाँ पे नज़र आएंगे। तो अब अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो एक विजिट तो जरीर बुक स्टोर का बनता है। मक्का मुकर्मा में जरीर बुक स्टोर हिजाज मॉल के बिल्कुल साथ है, और यहाँ पे आपको दूसरी क्लॉथिंग ब्रांड्स भी आसानी से मिल जाएंगे। आज का व्लॉग जरीर बुक स्टोर के नाम था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।